अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असद इकबाल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल असद एंड आईटी स्किल्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी किसी भी ऐप को लॉक करना है और वॉल्यूम बटन्स जो हैं हमारे पास उनका क्या इस्तेमाल है वो आप लोगों को मैं बताऊँगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इस चीज़ को समझो कि सबसे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि उसको सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। साथ में आप लोगों को ये बताऊंगा मैं कि आज हमारे पास जो वॉल्यूम कीज़ होती हैं हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि वॉल्यूम कीज़ के ज़रिए से हम सिर्फ वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, बल्कि वॉल्यूम कीज़ की मदद से हम किसी भी ऐप को लॉक भी कर सकते हैं। और ये कैसा लॉक होगा कि किसी बंदे को भी नहीं पता चलेगा कि वॉल्यूम लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जिस तरह की देखिए मैंने अपनी एक फेसबुक ऐप है उसके ऊपर मैंने लॉक लगाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये है मेरे पास फेसबुक ऐप, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखें ये इस पर मैंने ये लॉक लगाया, अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखें ऊपर नीचे कर रहा हूँ, साइड पे कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा, आई एम स्क्रॉलिंग इट डाउन बट नथिंग इज़ बीइंग हैपनिंग हैपनिंग। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। अब मैं इसी को, ये देखें मैं ऊपर से दो वॉल्यूम को दो दफ़ा करूँगा, यूँ करूँगा, अब ये देखें ऐप मेरे पास चलना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये क्या रीज़न है इसके पीछे कि आज एक वाकया भी हुआ कराची में, पी आई ग्यारह गए अल्लाह ताला सब पे रहम करे। लेकिन साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि मैं ये आपके पास लॉक है आप किस तरह से इसको लगाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, ये देखिए अब नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर सकता हूँ मैं, ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं आज तरीका बताऊँगा कि इस किस तरह करना है आप लोगों ने, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो को पूरी तरह देखें और ताकि आप लोग समझ आ जाए। बीच में स्किप नहीं करना वीडियो को, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या, आपने सबसे पहले अपना डाटा ऑन करना है। डाटा ऑन करने के बाद आपने प्ले स्टोर पर जाने के बाद प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने लिखना क्या है वहाँ पे आपने जाके लिखना है। ये देखिए प्ले स्टोर ओपन हो गया, अब आपने प्ले स्टोर पर जाके लिखना है ओप्स लॉक। क्या लिखना है आपने, ओप्स लॉक, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, अब ये देखें ये सामने आपके पास आया। अब ये सबसे पहले जो ऊपर आपके पास नज़र आ रही है आपको ऐप, ठीक है, ये आपको सबसे ऊपर नज़र आ रही है, आपने इसी को ही इंस्टॉल कर लेना है। ये देखें इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास इंस्टॉल कर लेना है आपको। जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई है तो डायरेक्टली मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ऐप पड़ी हुई है, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ये पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब देखें आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है आपको, ये आपको इंटरफेस इस तरह नज़र आ रहा है। अब कोई इसको ओपन करने की कोशिश करेगा और पहली बात ज़हन में रखिएगा कि बेसिकली आपके पास आपने वहाँ से सर्च क्या किया था, ओप्स लॉक के नाम से सर्च किया था। लेकिन अब जब आपके पास ये आई है ऐप सामने, तो ये किसके नाम से आ रही है, आपके के नोट के नाम से आ रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये किसी को शक भी नहीं होगा कि ये ऐप लॉक पड़ी हुई है, कि इसको डिलीट नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सिंपली क्या, आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। अब ये तो मैंने चूँकि इसके ऊपर लॉक ऑलरेडी लगाया हुआ है, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली होगा क्या कि आपके पास दो ये पूछेगा कि आप कौन सा लॉक लगाना चाहते हैं। तो आप ऊपर और नीचे वाले जो वॉल्यूम बटन्स हैं ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास ऊपर नीचे दो वॉल्यूम्स बटन हैं, इन दो वॉल्यूम्स बटन के ज़रिए से आप कोई भी लॉक भी लगा सकते हो इसको, ठीक है। लाइक आप ऊपर वाले कॉम्बिनेशन, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, जो भी कॉम्बिनेशन आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, वो आपसे पूछेगा। ऊपर वाली की, नीचे वाले की, कीज़ लगाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक पासवर्ड रख सकते हो जिसके ज़रिए से ये ऐप ओपन होगी। अब जब मैंने इसको किया था, उसके अलावा ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर आप गॉड फॉरबिड कि अगर आप लॉक भूल गए हो, बेसिकली ऊपर वाले नीचे वाले कॉम्बिनेशन भूल गए हो लॉक लगाने के बाद, तो उसके वक्त आपके पास एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा कोई एक क्वेश्चन आप चूज़ करोगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसका आंसर करोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लॉक भूल भी गए तो आप उस क्वेश्चन की मदद से इस लॉक को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको करना है। तो मेरा ये जो लॉक था वो ये वाला था, ऊपर वाले दो बटन थे, मैंने इसको किया, देखिए मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ गया, ठीक है। मैंने जैसे दो दफ़ा बटन प्रेस किया तो मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस आ गया। अब मैंने यहाँ पे देखें सिर्फ जो मेरे पास था ये फेसबुक, इसके ऊपर मैंने लॉक लगाया हुआ था, ये देख लें आपके पास, बाकी मैंने किसी पे लॉक नहीं लगाया हुआ। अब मैं आपको किसी पे भी लॉक लगा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं गैलरी पे लॉक लगा लेता हूँ, लेट्स सपोज ये गैलरी है, गैलरी पर मैं लॉक लगा लेता हूँ, ये देखें। या फिर आप कह सकते हैं कि मैं लगा लेता हूँ लॉक इंस्टाग्राम पे लॉक लगा देता हूँ, ये देखें इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मैं लॉक लगाता हूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लॉक लगाया,
ये लगा दी। अभी ब्लैक पूछ रहा है कि ब्लैक नज़र आना चाहिए, नहीं लेकिन मैं कहूँगा ट्रांसपेरेंट। ब्लैक का क्या मतलब है कि जब उसको एप्लीकेशन को ओपन किया जाएगा तो वो ऐप क्या होगी, वो ब्लैक नज़र आ रही होगी, तो इससे शक पड़ जाएगा कि लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो आपको एक ऐसा इंटरफेस नज़र आए जिससे शक भी ना पड़े। ठीक है, तो अब मैंने क्या कि इसको बैक किया। अब देखिए मैंने जब ओपन करूँगा इसको, इंस्टाग्राम को ओपन करूँगा, तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। कहाँ है जी इंस्टाग्राम, ये देखिए ये इंस्टाग्राम, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब जैसे इसको मैंने ओपन किया तो अब ये देखें, ये मेरे पास बेसिकली अब ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नथिंग इज़ बीइंग मूव्ड। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई दो दफ़ा मैं इसको क्या करूँगा, प्रेस करूँगा, ये प्रेस किया मैंने, अब देखें अब मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। सही है जी, सो दिस इज़ हाउ आई कैन यूज़ दिस ऐप लॉक एंड दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव। एवरीबडी नीड्स टू डाउनलोड दिस सो दैट आप अपने उसको महफूज रख सको, इसको अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने डिफरेंट ऐप्स को, और कोई भी इसको अप्रोच ना कर सके। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की डिफरेंट वीडियोज़ भी नज़र आना शुरू हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आखिर में वही बात जो हमेशा कहता हूँ, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड अल्लाह नेकबान।